Hey, what's up guys, welcome to the complete web development course जहां पर हम HTML, CSS और JavaScript के concept को beginner से लेकर advanced level तक पढ़ रहे हैं। इस course के अंदर अभी तक हम HTML पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, HTML के अंदर जितने भी element होते हैं वो सब पढ़ चुके हैं। आज से हमारा CSS start होने वाला है। CSS मैंने आपको बताया था basically styling के काम में आता है। CSS का मतलब होता है basically cascading style sheet। ये हमारी MDN Mozilla Developer Network की website है। cascading style sheet क्या होता है वो समझ रहे होंगे आज की वीडियो के अंदर। basically introductory video है जिसके अंदर समझेंगे कि inline CSS क्या होता है, external और internal CSS क्या होता है। इसके साथ ही आज हम समझेंगे कि आपके फेविकॉन कैसे काम करते हैं। तो आप ये छोटा सा आइकन देख रहे हो यहां पर, YouTube का जो छोटा सा आइकन है, ये आइकन आप लोग कैसे लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर ये भी समझ रहे होंगे। जैसे यहां पर ये M वाला आइकन लगा रखा है, जैसे यहां पर बाय डिफॉल्ट ये इंटरनेट आइकन लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग अपना खुद का आइकन कैसे लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। तो वो भी समझ रहे होंगे। तो CSS के बेसिक्स को समझेंगे एंड देन फेविकॉन समझेंगे। CSS की हेल्प से आप लोग बहुत ही सुंदर और मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हो। ये एक वेबसाइट है विच इज awards.com, AWWAwards.com। इसके ऊपर मैंने CSS सेलेक्टर सेलेक्ट कर लिया और यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट को डाल रखा है। यहां से आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से CSS का यूज करके आप लोग अपनी वेबसाइट को सुंदर बना सकते हो। जैसे हमारी ये वेबसाइट थी जिसमें बिल्कुल भी CSS नहीं था, तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप लोग CSS लगा दोगे तो कम टेक्स्ट के अंदर आप लोग बहुत ही सुंदर अपनी वेबसाइट को बना सकते हो और आप लोग अपने यूज़र को एक प्रॉपर जर्नी दे सकते हो कि कहाँ से कहाँ आप लोग अपने यूज़र को ले आना चाहते हो, राइट। जैसे ये वेबसाइट देखते हैं और ये वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लोग CSS को पढ़ेंगे इस तरीके से कि हम लोग इस टाइप की वेबसाइट को बड़े ही आराम से बना रहे होंगे। एक्चुअली जब लोग CSS पढ़ने जाते हैं तो उनको ये मुश्किल लगता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने CSS को एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ा होता। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ वहाँ से पढ़ लिए, कभी कोई पढ़ा कभी कोई सा नहीं पढ़ा, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से कोई चीज़ काम कर रही है, एंड देन उनको CSS मुश्किल लगने आती है। एक्चुअली CSS मुश्किल है ही नहीं। ये टाइप की वेबसाइट आप लोग बड़े ही आराम से बना सकते हो और इस कोर्स के एंड तक हम बना भी रहेंगे इस टाइप की वेबसाइट को, बस हमें स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते चलना है। आज हम बेसिक्स ऑफ CSS की बात करने वाले हैं कि CSS को आप लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर और उससे आप लोग CSS को कनेक्ट कर पाओगे अपने HTML के साथ। लेकिन वो करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि CSS आखिर होता क्या है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट यहाँ पर लिखा हुआ है, इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट आपका HTML में हो सकता है, XML में हो सकता है, HTML के अंदर हो सकता है, MathML के अंदर, SVG, इन सब में हो सकता है। इस कोर्स के अंदर हम HTML की बात करने वाले हैं। जरा कोड में चल के देखते हैं कि किस तरीके से हमारा CSS काम करता है। तो ये तो हमारा अभी तक का प्रोजेक्ट था। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स कॉल इट लर्न CSS इस तरीके से, ठीक है। और इस लर्न CSS को मैं डालूंगा अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो मैं माय कूल वेबसाइट को बंद कर देता हूं और लर्न CSS के अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम बनाएंगे index.html। देखो बिना HTML के कोई भी वेबसाइट बन नहीं सकती, तो HTML तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ढांचा तो बनाना ही पड़ेगा। CSS हम बाद में लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क से अपना बना लिया है एमएट की हेल्प से, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन हिट टैब। इससे हमारा ये अपने आप ही ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट माय ब्लॉकचेन वेबसाइट, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पर हम कुछ टैग्स लगाते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे ये कुछ टैग्स लगा देता हूँ, लेट्स कॉल इट H1 और इसके नीचे लगाते हैं एक P टैग। तो यहाँ पर मैंने डमी कुछ भी लिख दिया, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। और इसके नीचे लगा देते हैं एक बटन, ठीक है। तो ये बटन हमारे पास एक एलिमेंट होता है, इसके हेल्प से हम लोग बटन लगा सकते हैं। आप लोग बोले भैया हम लोग बटन तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हमने एक बनाया इनपुट और इसके अंदर टाइप बना दिया हमने सबमिट। हाँ, तो इनपुट टाइप सबमिट और बटन, इन दोनों से ही हमारा एक बटन बन रहा होता है। लेकिन इस बटन के अंदर खास बात क्या है कि इस बटन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और चीज़ें डाल सकते हैं। अगर हमें इमेज वाला बटन डालना है कि आपके पास एक लेफ्ट साइड में इमेज हो, राइट साइड में टेक्स्ट हो, तो इस टाइप की कस्टमाइजेशन अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक बटन एलिमेंट होता है। और वैसे भी इनपुट टाइप सबमिट इसको हमें यूज़ करना चाहिए फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें इसे यूज़ करना चाहिए, बाकी हर जगह पर हमें बटन ही यूज़ करना चाहिए जब हम यूज़र को रिडायरेक्ट करना चाहते हो। तो इसको पहले एक ही लाइन में ले आते हैं, गेट स्टार्टेड इस तरीके से, और इसको चला के देखते हैं कि अभी फिलहाल ये कैसी दिख रही है। तो ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे हम और ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, हमारे यहाँ पर बटन भी है जिसको हम क्लिक कर सकते हैं, कुछ होगा नहीं इसके साथ। एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड लेकर आते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना कोड भी कर सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर साइड कर देता हूँ, ठीक है, और अब हम अच्छे से अपना कोड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा H1 टैग है, P टैग है, बटन टैग है, और ये फिलहाल अभी वेबसाइट हमारी ऐसे दिख रही है। इसके अंदर अगर आप लोगों को यूज़ करना है CSS का तो उसके लिए हमारे पास होता है एक स्टाइल एलिमेंट, और CSS को आपको लगाना होता है अपने हेड के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर CSS, जैसे ही सब कुछ आपने लिख लिया उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल, एंड देन स्टाइल के अंदर हम लोग स्टाइलिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होता है एक सेलेक्टर कि आप लोगों को स्टाइल को किस चीज़ पे लगाना है उसको सेलेक्ट करो। जैसे मैं चाहता हूँ मैं H1 के ऊपर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं H1 को पहले सेलेक्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा H1 और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर
मैं वो चीज़ें लिखूंगा जिन चीज़ों को मुझे मॉडिफाई करना है। तो H1 के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका टेक्स्ट कलर, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास होता है कलर, और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कलर को। जैसे अभी हमारा कलर ब्लैक हो रखा है, इसको मुझे करना है ब्राउन, तो मैं यहाँ पर ब्राउन सेलेक्ट करूँगा। एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा कलर ब्राउन हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो ऑटो रिलोड अपने आप हो जाता है इसके अंदर क्योंकि लाइव सर्वर चल रहा है नीचे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया है। इसके अलावा लेट्स कॉल इट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर देंगे लेट्स से ब्लू, इस तरीके से। तो आप देखोगे इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब ये ब्लू कलर के ऊपर ठीक से दिख नहीं रहा, तो इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कुछ कर देते हैं। अब ये थोड़ा अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। कलर स्कीम अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, हम इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम समझते हैं कि CSS किस तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर। तो कलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, ये कलर्स को हम अलग से समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है उनको अच्छे समझ रहे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर्ड वे में समझ रहे होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बस कि किस तरीके से आप लोग CSS को कनेक्ट करते हो HTML के साथ। तो दिस इज़ योर वन वे जिसके अंदर हम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS, जहाँ पर हमने HTML के अंदर ही CSS को लिख दिया इस तरीके से। इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए एक्सटर्नल CSS, मतलब CSS की एक अलग ही फाइल बनाओ और उसके अंदर सारी सारी CSS को लिखो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ आना होगा लर्न CSS के अंदर, और यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर लर्न CSS के अंदर, एंड देन इसको हम अपने फोल्डर में डाल देते हैं CSS के फोल्डर में, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट CSS फाइल हो सकती हैं। तो css/style.css इस तरीके से, तो यहाँ पर देख रहे हो CSS फोल्डर के अंदर style.css बन गया। और इसके अंदर भी हम वही चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज करो मैं सेलेक्टर बनाता हूँ, तो पहला मेरा सेलेक्टर हो गया सपोज करो पी टैग, राइट, दिस पी टैग। तो पी टैग बनाया, उसके बाद कर्ली ब्रेस, उसके अंदर हम लिखेंगे जो भी पी टैग की प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से हम फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं कि फॉन्ट इसका किस टाइप का होगा, तो कोरियर न्यू करना चाहता हूँ मैं। तो ये कोरियर न्यू फॉन्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये फॉन्ट चेंज हुआ नहीं, अभी भी वही डिफॉल्ट फॉन्ट लगा हुआ है। तो एक्चुअली क्योंकि हमने CSS को अभी कनेक्ट नहीं किया HTML के साथ, तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, एंड देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, हेड के अंदर ही करना होता है ये सारा लिंक। तो लिंक, एंड देन आप लिंक के अंदर देखोगे रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है स्टाइल शीट, CSS इज़ अ स्टाइल शीट, राइट। तो हम स्टाइल शीट को रेफरेंस करना चाहते हैं, और उसका रेफरेंस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है बेसिकली, वो हम यहाँ बताएंगे। तो जिस फोल्डर के अंदर index.html है उसके हिसाब से style.css कहाँ है, तो उस फोल्डर के अंदर ये एक दूसरा फोल्डर है विच इज़ CSS, उसके बाद हम लगाएंगे स्लैश। तो यहाँ पर देख रहे हो हमारी विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा है। उसके बाद मैं लिखूँगा style.css, और अब ये कनेक्ट हो गया, और जैसे ही कनेक्ट हुआ उसी टाइम तुरंत यहाँ पर हमारा चेंज हो गया। देखो ये फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट कौन सा आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है ये वाला कोरियर न्यू जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके आपके पास फॉन्ट होते हैं, आप लोग चूज़ कर सकते हो, एक होता है आपके पास वर्डाना, तो यहाँ पर वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, हम यहाँ पर इसे वापस कोरियर न्यू कर देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि एक्सटर्नल CSS के अलावा अगर मैं इंटरनल CSS के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी को सेट करूँगा तो क्या होगा, तो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पी सेलेक्टर को चूज़ किया, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं चूज़ करूँगा प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, एंड देन इसके बाद सेमी कॉलन के बाद मैं लिखूँगा लेट्स से कर्सिव, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो पहले लगाते हैं कोलन, पहले कोलन लगता है, मैंने शायद पहले सेमी कॉलन बोल दिया, तो पहले लगता है कोलन, और उसके बाद आप लगाते हो प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं कर्सिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो अपने आप ही कर्सिव हो गया। तो इसने चूज़ नहीं किया कुरियर न्यू को, तो इसका मतलब इंटरनल CSS जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेता है एक्सटर्नल CSS के ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली इंटरनल और एक्सटर्नल CSS एकदम बराबर सेम प्रायोरिटी के होते हैं, बस फ़र्क क्या है कि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मतलब जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है वो चीज़ ऊपर आएगी, एंड देन जैसे ही आपने कोई चीज़ नीचे लिखी है तो नीचे वाली चीज़ उसको प्रायोरिटी ले लेगी, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़ हायर प्रायोरिटी ले लेती है, तो इसीलिए फॉन्ट फैमिली कर्सिव ये हायर प्रायोरिटी ले लेता है ऊपर वाले से। तो अगर मैं इसी चीज़ को नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने स्टाइल के बाद यहाँ पर लगाया स्टाइल शीट को लिंक किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये वापस कोरियर न्यू हो गया। क्यों ऐसा हुआ कि पहले तो सेट हुआ कर्सिव और उसके बाद इस स्टाइल शीट ने इसको सेट कर दिया कोरियर न्यू से। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे क्यों कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, कि आप धीरे धीरे करके ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी स्टाइलिंग डिफाइन करते हो उसके हिसाब से आप लोगों का स्टाइल चेंज होता रहता है। इसको एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सपोज करो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर देता हूँ बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी भी एक एलिमेंट है हमारा, ये बॉडी एलिमेंट है, राइट, ये बॉडी को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, सपोज करो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड। तो आप देखोगे कि पूरे बैकग्राउंड का कलर रेड हो चुका है, लेकिन H1 का बैकग्राउंड कलर अलग है क्योंकि इसको हमने बाद में सेट किया था ब्लू, ठीक है। तो आपने ऊपर एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया जो कि हर एक एलिमेंट के अंदर बैकग्राउंड सेट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने H1 का बैकग्राउंड कलर नीचे सेट किया है, इसीलिए कैस्केडिंग तरीके से काम करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सिमिलरली पी टैग को भी हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट्स से वाइट,
इस तरीके से वाइट आ गया। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये वाइट ब्लू रेड ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारे सारे आपके नेम्ड कलर्स होते हैं, इनके अलावा और भी कलर्स होते हैं। तो अगर आपको नेम्ड कलर्स देखने हैं तो हमें जाना है यहाँ पर MDN नेम्ड कलर्स एंड देन यहाँ पर हम नेम्ड कलर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी आपके पास कलर्स पॉसिबल हैं वो सारे सारे आपको यहाँ पर नेम मिल जाएंगे। जैसे देख लो ग्रे वाइट मरून रेड इस तरीके के और भी डिफरेंट होते हैं अजोर बेज डिफरेंट डिफरेंट। तो ये अगर आप नेम कलर लिखते हो तो आपको हेक्स कोड वाले कलर लिखने की जरूरत नहीं है। कलर्स के ऊपर हमारी एक डिफरेंट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम कलर्स को बैकग्राउंड कलर्स को इन सब को टैकल कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम बस समझ रहे हैं किस तरीके से आपकी लिंकिंग होती है HTML और CSS की। तो यहाँ पर देख रहे हो ये गोल्ड कलर है, तो इस गोल्ड कलर को भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो वाइट की जगह मैं कर दूंगा अगर गोल्ड और मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये गोल्ड हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने वाली है कि जैसे मैंने एक पी टैग को ये प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद मैं जितने मर्जी पी टैग बनाऊंगा उन सभी के अंदर ये वाली स्टाइलिंग अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज़ ए डमी पैराग्राफ, तो आप देखोगे वो डमी पैराग्राफ के अंदर भी अपने आप ही वाली स्टाइलिंग आ गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को ये वाली स्टाइलिंग दे दी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे इस नीचे वाले पैराग्राफ को अलग स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं सेलेक्टर्स का, डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे पास, जैसे ID एंड देन क्लास सेलेक्टर, वो हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन हमारे पास CSS के अंदर एक और कमाल की चीज़ होती है विच इज़ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS की हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट को अपनी खुद की स्टाइल दे सकते हो। जैसे एक हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है विच इज़ अ ग्लोबल एट्रीब्यूट, तो ये हर एक एलिमेंट को मिला होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद इस एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं। सपोज कर मुझे सेट करना है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा इस वाले पैराग्राफ का लेट्स से वाइट। तो आप देखोगे कि सिर्फ इस वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर वाइट हुआ है और इस वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं हुआ है। तो ये वाला जो स्टाइल है विच इज़ इनलाइन CSS, इनलाइन स्टाइल, ये सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी लेता है। तो ऊपर आपने चाहे कितनी मर्जी चीज़ें डिफाइन कर रखी हों पैराग्राफ्स को लेकर, इवन अगर आप लोगों ने ID दे रखी है, क्लास दे रखी है एंड देन उसको एक अलग से स्टाइलिंग दे रखी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी इसी वाले इनलाइन CSS की होगी। इसका मतलब इनलाइन CSS के अंदर आपने जो भी चीज़ लिखी है वो पक्का आपकी रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, भले ही आपने ऊपर कुछ भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि मैंने इस पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे रखा है गोल्ड, लेकिन स्टिल बैकग्राउंड कलर वाइट ही माना जा रहा है। तो इनलाइन CSS की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल CSS की सेम प्रायोरिटी होती है, डिपेंड्स ऑन द कैस्केडिंग या फिर डिपेंड्स ऑन द ऑर्डरिंग। तो जो पहले लिखा हुआ है उसकी कम प्रायोरिटी होगी और जो बाद में लिखा हुआ है उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। लेकिन हमें कभी भी इनलाइन CSS को यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेन्स CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू बी अप्लाइड टू द एलिमेंट, नोट दैट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर स्टाइल्स टू बी डिफाइंड इन अ सेपरेटेड फाइल और फाइल्स। दिस एट्रीब्यूट एंड द स्टाइल एलिमेंट हैव मेनली द पर्पज ऑफ अलाइंग फॉर अ क्विक स्टाइलिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉर टेस्टिंग पर्पसेज। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग ये ऐसे इंटरनल CSS या फिर इनलाइन CSS को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इनका यूज़ हमें करना चाहिए क्विक स्टाइलिंग के लिए। हमें अगर जल्दी से चेक करना है, हमें फाइल नहीं बनानी, हमें जल्दी से बस टेस्टिंग करने की कैसा दिखेगा तभी यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए एक्सटर्नल CSS का, कि आप लोग एक अलग बनाओ फाइल और यहाँ पर आप एक अलग तरीके से मेंटेन करो अपनी CSS को, सो दैट सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहे। तो हम यहाँ पर अपनी अलग CSS बताएंगे कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर लेट्स से हो जाएगा एक्वा इस तरीके से, ठीक है। तो हमें एक अलग से CSS फाइल बनानी चाहिए, ना कि हमें यहाँ पर अपना स्टाइल डिफाइन करना चाहिए। तो आने वाली सारी वीडियोस के अंदर हम ये नहीं देखेंगे, इंटरनल CSS भी नहीं देखेंगे, इनलाइन CSS भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे एक्सटर्नल CSS की किस तरीके से एक्सटर्नल CSS काम करता है, बिकॉज दिस इज़ द रिकमेंडेड प्रैक्टिस। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ठीक है इस टाइप से भी हमारी CSS काम करती है। एक्सटर्नल CSS के लिए हमारे पास होता है ये लिंक एलिमेंट, और लिंक के साथ हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टाइल शीट रेफरेंस है, इसके अलावा अगर हमें फेविकॉन बनाना है तो उसके लिए हम लिखते हैं लिंक एंड देन आप ये वाला चूज़ कर सकते हो लिंक फेविकॉन। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया शॉर्टकट आइकन HRF, हम अभी इसे बता रहे होंगे कि हमारा आइकन कहाँ पर स्टोर्ड है, एंड देन टाइप होगा इमेज, ठीक है। तो इमेज स्लैश एक्स आइकन, तो ये हम यहाँ पर डाल रहे होंगे अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी जरूरी है, लेकिन अभी हमारे पास favicon.ico है नहीं, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है विच इज़ favicon.io। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जनरेट कर सकते हो फेविकॉन्स अपनी इमेजेस से या फिर टेक्स्ट से या फिर इमोजीज से। हम लोग टेक्स्ट से करते हैं, और टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं। सपोज करो मैंने चूज़ किया बी फॉर ब्लॉकचेन। यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हो कि राउंडेड या सर्कल किस तरीके से आपको चाहिए, तो मैं राउंडेड ही रख देता हूँ इसको। एंड देन आप लोग यहाँ पर फॉन्ट फैमिली देन फॉन्ट साइज वगैरह चूज़ कर सकते हो, इवन कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर ऐसे डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ एंड देन आई विल डाउनलोड। और यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया, इसको हमें खोलना है। तो ये zip फाइल होती है, इसके अंदर हमें इन सब से काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ favicon.ico से इसे हमें करना है कॉपी एंड देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर लर्न CSS के अंदर, और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट इमेजेस, एंड देन इस इमेजेस के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा।
और अब हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, देन मुझे दिख रहा है यहाँ पर इमेजेस के अंदर फेविकॉन डॉट आई सी ओ है। अभी फिलहाल के लिए ये एच आर एफ इसका वर्क है फेविकॉन डॉट आई सी ओ, तो ऐसे तो इसे मिलेगा नहीं, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इमेजेस स्लैश फेविकॉन डॉट आई सी ओ। और अब यहाँ पर देख रहे हो हमारा वो फेविकॉन आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फेविकॉन चूज़ कर सकते हो। तो आज हमने देखा किस तरीके से आपका सी एस एस काम करता है, इंटरनल एक्सटर्नल सी एस एस, हमने लिंक एलिमेंट को देखा, और गोइंग फॉरवर्ड हम सिर्फ लिंक एलिमेंट को ही यूज़ कर रहे होंगे फॉर एक्सटर्नल सी एस एस। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेक्टर किस तरीके से काम करते हैं आपके सी एस एस में।